कोनिचिबा दोस्तों, कैसे हो भाई आप लोग। यार आज के वीडियो में हम लोग काफ़ी सारे कमाल के एनिमेज अपडेट्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि नारुतो शिप्पुडेन के तमिल डब से रिलेटेड बड़ी अपडेट है, उसका एक ट्रेलर रिलीज हुआ है, तो उस ट्रेलर से रिलेटेड प्रॉपर अपडेट मैं शेयर करूंगा वीडियो में। साथ में ब्लू लॉक की एनिमे से रिलेटेड एक नई अपडेट आई है, साथ में डीमन स्लेयर और सोलो लेवलिंग से रिलेटेड भी हम लोग बात करेंगे वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखो सारे अपडेट्स को अच्छे से जानने के लिए, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक कमाल की एनिमे रिकमेंड करूंगा जिसका नाम बुचीगिरी है। ये हिंदी डब में क्रंची के ऊपर स्ट्रीम हो रही है, अभी तक इसके 4 एपिसोड आ गए हैं और ये एक ब्रांड न्यू एनिमे है जो काफी ज्यादा कमाल की है। मैंने इसका फर्स्ट एपिसोड हिंदी डब में देखा और इसका डबिंग काफी ज्यादा कमाल का है। इसके मेन कैरेक्टर को अपने साहिल कुलकर्णी सर डब कर रहे हैं, जिन्होंने माहिरो एकेडेमिया में बाकुको को डब किया था, तो तुम्हें पता होगा उनकी वॉइस काफी कमाल की है। और इसके फर्स्ट एपिसोड को देखने के बाद ही मैंने इसके अपकमिंग 3 एपिसोड बैक टू बैक देख लिए भाई, जो की जैपनीज में थे। एंड ये एनिमे सच में बहुत ज्यादा क्रेजी है और ये एनिमे हो ना हो ट्रेंड पर जरूर जाने वाली है, इसलिए मैं आप सबको भी रिकमेंड करूंगा जितने लोगों ने इस एनिमे को अब तक नहीं देखा है। तो अगली अपडेट है स्टूडियो गिबलीज की मूवीज के तरफ से। तो दी इमेजिनरी मूवी नेटफ्लिक्स के ऊपर ग्लोबली आने वाली है 15 जनवरी को, और इस मूवी को डायरेक्ट किया है स्टूडियो गिबली के प्रोड्यूसर योशियाकी निशिमुरा ने, जो कि एक कमाल के डायरेक्टर हैं भाई। तो इस मूवी को भी तुम ग्लोबली देख सकते हो नेटफ्लिक्स के ऊपर 15 जनवरी को। साथ में दोस्तों अगली अपडेट है डीमन स्लेयर के तरफ से। तो डीमन स्लेयर की मूवी हस्टर ट्रेनिंग आर्क अब ऑफिशियल कन्फर्म हो चुकी है कि वो 23 फरवरी को इंडियन थिएटर में रिलीज होने वाली है, बट उससे पहले एक स्पेशल एडवांस फैन मेड स्क्रीनिंग होने वाली है 21 फरवरी को मुंबई में। तो यहाँ पर डीमन स्लेयर के फैंस काफी ज्यादा खुश हो गए होंगे। तो हमेशा की तरह भाई डीमन स्लेयर की नई मूवी इंडियन थिएटर में आ रही है, तो आप लोग कितना ज्यादा एक्साइटेड हो भाई इस मूवी के लिए कमेंट में बताना, क्योंकि जितनी रिव्यू आई है इस मूवी की वो बता रहे हैं कि काफी अच्छी मूवी होने वाली है, और होगी भी क्यों नहीं भाई, डीमन स्लेयर एक कमाल की एनिमे है। और इसके बाद दोस्तों हम लोग अगली अपडेट की बात करते हैं जो कि सोलो लेवलिंग की तरफ से होने वाला है। तो कितने लोगों ने 5th एपिसोड देख लिया सोलो लेवलिंग का भाई, काफी कमाल का एपिसोड है यार। जिनवू एक अलग लेवल पर पहुंच गया है, वो दिन पर दिन लेवल अप करता जा रहा है, और एपिसोड 6 के लिए अभी से ही लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं भाई, क्योंकि एपिसोड 6 में कुछ क्रेजी होने वाला है। जिन्होंने एपिसोड 5 देखा है उन्हें पता है भाई कि लोग एपिसोड 6 के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड हैं। तो भाई मैं खुद भी वेट कर रहा हूँ एपिसोड 6 को देखने के लिए यार, अब तो कंट्रोल नहीं होता यार, हफ्ते हफ्ते एनिमे आते हैं, काश हर रोज आए तो मजा आ जाए, बट सोलो लेवलिंग एक अलग लेवल की एनिमे है भाई, उसके लिए वेट करना तो बनता है। तो अब हम लोग बात करते हैं नारुतो से रिलेटेड जो अपडेट आई है तमिल डब की। तो नारुतो के तमिल डब का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, बट मैं बता दूं ये कोई ऑफिशियल ट्रेलर नहीं है सोनी ये या क्रंची रोल की तरफ से, नारुतो के तमिल तेलुगु के वॉइस एक्टर साई सुमित जी सर और उनकी टीम ने मिलकर बनाया है, और ट्रेलर के अंदर जितनी भी वॉइस कास्ट है वो सारी ऑफिशियल वॉइस कास्ट है तमिल की। तो बेचारे तमिल के फैंस को अभी से स्पॉइलर मिल गया होगा, क्योंकि मादारा की वॉइस, ओबिटो की वॉइस, यहाँ तक कि मेरे फेवरेट कैरेक्टर मिनाटो की वॉइस भी रिवील हो गई, तो वो ट्रेलर मैं वीडियो के एंड में दिखा दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं छोटी सी बात करना चाहता हूँ यार, यहाँ पर वॉइस एक्टर कुछ ज्यादा ही क्रेजी हो रहे हैं। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि इतनी सारी स्पॉइलर उन्होंने अभी ही फैंस के सामने रख दी, और रिलीज डेट की बात करें तो अभी तक रिलीज डेट नहीं पता चला। इतना पता चला है कि भाई सीजन 1 की डबिंग जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। तो नारुतो शिप्पुडेन तो 2023 के फर्स्ट हाफ में ही आएगा, और उन्होंने जो कल ट्रेलर दिखाया भाई उसमें पूरा का पूरा शिप्पुडेन ही उन्होंने कवर कर दिया, बट सीजन 1 काफी ज्यादा था ट्रेलर के अंदर। तो मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट ऑफ सीजन शायद पहले आ जाए शिप्पुडेन का, तो वेट करना है तो सोनी ये के ऑफिशियल प्रोमो का, और ऑफिशियल प्रोमो जब आएगी उसकी प्रॉपर अपडेट मैं आपको शेयर करूंगा। तो अभी जितने लोग कह रहे हैं कि नारुतो शिप्पुडेन के तमिल का प्रोमो आ गया है वो बिल्कुल फेक न्यूज है भाई, क्योंकि ये ऑफिशियल प्रोमो नहीं है सोनी है या क्रंची रोल की तरफ से। तो बस मुझे यही बात करनी थी, और ज्यादा अपडेट्स नहीं थे आज के वीडियो में, बट फिर भी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज एक लाइक कर सकते हो, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी अमेजिंग अपडेट के लिए, और मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी अगली वीडियो में। सो तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड सायोनारा। இந்த சபிக்கப்பட்ட உலகத்துல நாம நினைச்ச எதுவுமே நடக்காது, இதுதான் வாழ்க்கையோட உண்மை, அதை சீக்கிரம் புரிஞ்சுப்ப. உசுமாக்கி தானே வெளிச்சத்துக்கு கொண்டு வந்தா, அவனால தான் என் வாழ்க்கையே மாறி இருக்கு. நான் வந்துட்டேன் நருட்டோ உசுமாக்கி, ஹிடன் லீஃப் வில்லேஜுக்கு திரும்ப வந்துட்டான். அவனை போலவே என்னையும் இந்த உலகம் ஏத்துக்கொண்டு நம்புறேன். தாக்குதல் ஆரம்பிக்க, இன்னும் கொஞ்சம் பொறுத்துக்கோகாரா, முடிஞ்ச அளவுக்கு வேகமா வந்து உன்னை காப்பாத்துறேன். அவனேதான் பாம்பு மாதிரி வெளியே வந்து குறவழிய புடிச்சு கடிப்பண்டா. அது வரைக்கும் உன் உயிரோட விட்டா தானே, எங்க கிராம மக்கள் எல்லாருக்குள்ளயும் வில் ஆஃப் ஃபயர் நெருப்பு கொழுந்து விட்டு எரியுதான். கடவுள் ஜாசரனை சும்மா விட மாட்டாரு, உனக்கு இருக்கிறதுலே கொடூரமான சாவ கொடுப்பாரு. அதுக்காக தான் காத்துட்டு இருக்கனு நீயே மேல போய் சொல்ல. Thank you.
இனி நடக்கிற எந்த அநீதியையும் நான் ஏத்துக்க மாட்டேன். வெளியே வா நைன் டெய்ல்ஸ். நைன் டெய்ல்ஸ் நம்ம ஊருக்குள்ள வந்துருச்சு. அந்த அமைச்சர் நிறட்டும் உனக்கு துணையாவும் கூட நாங்க இருந்திருக்கணும். பின்னாடி பாரு, நீயும் நானும் பேசுறதுக்கு நிறைய விஷயம் இருக்கு. முதல்ல நீ யாருன்னு சொல்லு. இங்க இது ஒரு பயங்கரமான விஷயம் நடக்க போகுது. பெயின் இந்த உலகத்துக்கு வலிமை என்னன்னு காட்டுறேன். என் குடும்ப பேரு சரோடோவி, என் சொந்த பேரு கோனஹமாரு. அதை நீ மறக்க கூடாதுடா. எனக்கு சாவ பார்த்து பயம் இல்ல. உனக்காக நான் என் உயிரையும் கொடுப்பேன். முயற்சியை மட்டும் கைவிட்டுறாதீங்க. இனி இதுதான் உங்க நிதர்சனம். நருடோ ரசன் ஷூரிகேன். இதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி ஒரு சக்தியை பார்த்ததே இல்லை. பொறுமையை இழந்துட்டேன். இன்னைக்கு உன்னை சாகடிக்காம விட மாட்டேன்.